दोस्तों, आप सभी टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री कृतिका सेंगर को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने साल 2005 में अभिनेता निकेतन धीर से शादी कर ली थी, जिसके साथ आज ये अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छे से बिता रही हैं। तो वहीं आज ये एक बेटी की माँ भी बन चुकी हैं, जहाँ पर अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इनके पति निकेतन धीर इनसे बेहद ही खुश नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि बेटी होने से पहले निकेतन धीर को कृतिका सेंगर की दो आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो आखिरकार कौन सी थी वो आदतें, आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अग्रेसिव नेचर। कृतिका सेंगर की पहली आदत जो निकेतन धीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उनका गुस्सा होने का नेचर है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कृतिका सेंगर वक्त वक्त पर निकेतन धीर से नाराज हो जाती हैं और निकेतन धीर उन्हें बेहद मनाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर निकेतन धीर को अपनी पत्नी कृतिका की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो कई बार उनके इस नेचर के चलते उन्हें धमकी भी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने अपना गुस्सा करने वाली आदत बदली नहीं तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नंबर 2, शरद मल्होत्रा के साथ घूमना और उससे बात करना। कृतिका सेंगर की दूसरी बुरी आदत है कि वे अपने दोस्त शरद मल्होत्रा से काफी लंबे समय तक बातें करती हैं और साथ ही जब उनका मन चाहे वो उनके साथ घूमने निकल जाती हैं, जो कि निकेतन धीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर ने कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल में एक साथ काम किया और ये काम करने के दौरान सुर्खियों में छा गए थे। तो निकेतन धीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी वाइफ शरद मल्होत्रा के साथ रहे और कृतिका को काफी बार उन्होंने मना भी किया है, लेकिन कृतिका उनकी बात नहीं मानती है क्योंकि उनका मानना है कि अभिनेता शरद मल्होत्रा उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो उनके साथ घूमेंगी और यही आदत निकेतन धीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको कृतिका सेंगर की आदतें के बारे में जानकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।